कुछ लोग बोल रहे हैं भाई यार धवल भाई का प्रोजेक्ट का यूज कर रहे हो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कम्युनिटी पोस्ट के बारे में। Flow like water, so I'm going mainstream. कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो आपको थोड़ा नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता। What's up guys, welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. तो आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मतलब प्रोजेक्ट दिखाने नहीं जा रहा, थोड़ा पर्सनल काम से बाहर निकल रहा हूँ। आज मैं ब्लॉग में यूट्यूब रिलेटेड थोड़ी पर्सनल बातें करने वाला हूँ, तो थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को कि वो बातें होगी। सब्सक्राइबर्स में से कोई होते हैं जिनकी यूट्यूब चैनल होती है, वो लोग बोलते हैं कि भाई कम्युनिटी पोस्ट डाल दो मेरी ब्लॉग में, मेरे चैनल का नाम ले लो। तो मैं ये सब क्यों नहीं करता, पहले करता था, अभी क्यों बंद कर दिया, उसके बारे में भी बातें करने वाला हूँ। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो आपको थोड़ा नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो वो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो मैंने मोटो व्लॉग का सेटअप रेडी कर दिया है, तो थोड़ा पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मोटो व्लॉग पे बातें करते करते निकलते हैं। व्लॉग को स्किप किए बिना पूरा देखना, तभी पता चलेगा कि भाई चल क्या रहा है, और सही गलत वो आपको डिसाइड करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब व्लॉग में पता चल जाएगा वो सही है कि गलत है, वो आपको डिसाइड करना है। तो चलिए चलते हैं मोटो व्लॉग के सेटअप पे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कम्युनिटी पोस्ट के बारे में। तो उसमें होता क्या है कि जब कम्युनिटी पोस्ट मैंने डालना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मैंने एक या दो लोगों की कम्युनिटी पोस्ट डाली और बाकी के सारे लोगों के नाम मैंने व्लॉग में बोल दिए। तब मेरे सब्सक्राइबर्स थे अराउंड 700-800, मतलब 700-800 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी एक दो बार, तो तभी मेरे इंस्टाग्राम के डीएम भर गए पूरे, भाई अब मेरी डालो, भाई अब मेरी डालो। तो सब ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया, तब मैंने कुछ गिने हुए लोगों की डाल दी और कुछ लोगों को बुरा लगा कि भाई आपने उसकी डाली, मेरी क्यों नहीं डाली, उसका नाम व्लॉग में बोला, मेरा क्यों नहीं बोला। तो ऐसा सब कुछ होने लगा। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने उसी दिन सोच लिया कि भाई अभी किसी को प्रमोट नहीं करने का, क्योंकि अगर एक जन को प्रमोट करते हो तो किसी दूसरे को नहीं करते तो उसको बुरा लगता है। तो भाई मुझे ऐसा नहीं करना कि मेरे सब्सक्राइबर्स को बुरा लगे, वैसा काम नहीं करना है। तो मैंने सभी लोगों के कम्युनिटी पोस्ट डालने बंद कर दिए और ब्लॉग में नाम लेना भी बंद कर दिया। इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव आता हूँ तभी मैं सभी के नाम बोल देता हूँ, कोई भी चैनल हो सभी के नाम बोल देता हूँ इंस्टाग्राम पे जब लाइव आता हूँ तब, लेकिन यूट्यूब पे मैंने बंद कर दिया। तो एक रीज़न था जो किसी को बुरा लग जाता था कभी कभी, तो सॉरी फॉर दैट कि अभी वो चीज़ नहीं होगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा तभी मैं नाम बोल दूँगा। अगर किसी को है कि भाई ये बंदा कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डालता, मेरी चैनल का नाम भी नहीं लेता, तो भाई सॉरी, अभी से अपन ये सब नहीं करने वाला। अगर हाँ, अगर ऐसा हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव करता हूँ, वीक में 2-3 बार तो लाइव आ जाता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई यार धवल भाई का प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हो। पहली बात तो ये, अगर मुझे प्रोजेक्ट दिखाना होता तो जब से आर1 का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है मैं तब से दिखाता और पूरा दिखाता। आर1 का प्रोजेक्ट कब का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उनमें से गिने चुने हुए वीडियोस ही मेरे हो गए, और उनमें से पूरा वीडियो तो होगा भी नहीं आर1 के प्रोजेक्ट का, ब्लॉगिंग पे ही फोकस करके बैठा हूँ। अगर मुझे दिखाना होता तो मैं पूरा प्रोजेक्ट दिखा सकता था, और जितने पार्ट्स बने हैं धवल भाई के वो उतने बनाता मैं पार्ट्स, और उनके पहले मैं वीडियोस अपलोड करता और उतने व्यूज़ मुझे भी आ सकते थे। लेकिन भाई मेरे को मालूम है किसी का प्रोजेक्ट है, किसी की मेहनत है, इसलिए मैं नहीं डालता। धवल भाई खुद सामने से बोलते कि भाई तू मेरा प्रोजेक्ट डाल, लेकिन मैं नहीं डालता। मेरे को भी मालूम है भाई किसी की मेहनत है, किसी कोई बंदा हार्ड वर्क इतना करता है एक चीज़ के पीछे, इतना सोता नहीं है वो बंदा, खाता भी नहीं है ठीक से, मेरे को मालूम है भाई, इसलिए मैं नहीं डालता। ऐसा मत बोलो कि भाई तू धवल भाई का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, भाई मेरे को यूज़ करना होता तो कब का कर लिया होता। अरे लोग नहीं बोलते, गिने चुने 2-3 लोग ही बोलते हैं ऐसा कि भाई तू ऐसा प्रोजेक्ट का यूज़ करता है, लेकिन उन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि पूरा व्लॉग देखते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हवा मचा देते हैं कि भाई यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है। 2-3 लोग ही है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ मैं रिप्लाई देना चाहता था, और रिप्लाई देना ज़रूरी है क्योंकि खाली फुकट में मेरे पे ब्लेम लगे ऐसा मैं करना नहीं चाहता। मेरे को मालूम है कि यूट्यूब कम्युनिटी में आगे ऐसा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन ये खाली फुकट का ब्लेम मेरे को पसंद नहीं है भाई, इसलिए मैंने बोला कि भाई
अभी आपके हाथ में है कि कौन सही है कौन गलत है वो आपको बताना है कमेंट में। आप किसी बड़े यूट्यूबर को कॉपी कर रहे हो, मैं समझ गया कौन सी बात कर रहा है ये बंदा, मतलब बंदी जो भी हो, मेरे को मालूम नहीं, मैंने ठीक से नाम भी नहीं पढ़ा। उसने ऐसा बोला कि आप किसी बड़े यूट्यूबर को कॉपी कर रहे हो। मैंने बोला बड़ा यूट्यूबर, फिर मैंने एक दूसरी कमेंट पढ़ी जिसमें अच्छे से लिखा था कि भाई आप एकदम MSK की स्टाइल से ब्लॉग शूट करते हो, तो वो कमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगी। समझ रहे हो दोनों कमेंट्स में कितना फ़र्क है। वो बंदी वो बंदा जो भी हो, मेरे को नहीं मालूम वो कौन सी लाइन की बात कर रहा था। मैंने 2-3 वीडियो में स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि कैसे हो, बढ़िया, मैं भी बढ़िया, MSK के वीडियो में देखा है, मतलब भाई मैं बता दूँ MSK से मैं इंस्पायर हुआ हूँ और व्लॉगिंग करियर, मोटो व्लॉगिंग करियर उसी को देख के ही मैंने स्टार्ट किया है। और रही बात व्लॉगिंग करियर की, तो भाई मैं अभी व्लॉगिंग करियर में नहीं आया हूँ, 2 साल से मैं व्लॉगिंग करियर में हूँ। मैंने वो चैनल बंद कर दिया, आज से 2 साल पहले की बात है, मैंने व्लॉगिंग करियर 2 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात थी, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता था, तो आज मैंने बता दी। मतलब मैं किसी पे गुस्सा नहीं हूँ, ना मैं किसी से नाराज़ हूँ, सिर्फ खाली फोकट के ब्लेम लगाते हैं ना वो पसंद नहीं है मेरे को। तो वो बात मुझे क्लियर करनी थी, तो वो मैंने क्लियर कर दी। तो अभी आप लोगों के हाथ में कि कौन सही है और कौन गलत है वो आपको कमेंट करके बताना है। 1 hour later ये 2 मिनट मेरे को व्लॉग स्टार्ट करने हैं। तो अभी मैंने जो रास्ते में जो कुछ भी बोला वो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा वो आपको कमेंट में बोलना है। और भाई जहाँ तक मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करोगे मेरे को, क्योंकि आप पहले से इतना सपोर्ट करते हो। और हाँ, हमारी 3K फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो अभी मैं हूँ मेरे फ्रेंड के घर में, केविन के घर में, क्योंकि इस बंदे को मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब स्कूल टाइम में थे तब से साथ में है, लेकिन यूट्यूब के चक्कर में हमें मिल ही नहीं पाता। तो ये बैठा वो बंदा निकल में मेरे को मालूम है तेरे पास iPhone 12 है, मेरे को मत दिखा कि मेरे को ब्लॉग में मत ले, अभी नया नहीं हूँ मैं। मैंने बोला चल ठीक है, तेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पब्लिक को, क्योंकि जब जब यहाँ पे आएंगे तब तब ये चेहरा आपको दिखता रहेगा, क्योंकि अपन ना ब्लॉग करते हैं तो कहीं भी निकल जाते हैं और ऐसे मनुष्य चेहरे दिखने को मिलते हैं आप लोगों को। और थोड़ा जिम वाले के ना तो इसको आदत है, ऐसे बाइसेप्स दिखाता है, ऐसे एब्स दिखाता है। तो अभी इसके घर पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं आया था थोड़े पर्सनल काम से, तो यहाँ पे आपके देखा तो सब कुछ बंद है। यहाँ भी वही सेम सिचुएशन, 2 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन अभी 2 बजे नहीं है, तो थोड़ा काम मैं फिनिश करके आऊँगा, फिर इसके घर पे आऊँगा, नहीं तो अपने घर पे जाऊँगा, क्योंकि रानीप में आता रहता हूँ कई बार। तो कोई व्यूअर है रानीप से दिखता है तो भाई मिलना हो तो बोल देना। कैसा है शर्मा मत, ये अपना मुँह नहीं दिखाएगा। चलो किसी और दिन अच्छे से रेडी होगा ना तभी मिलवा लेंगे, अपनी अपने अपनी बर्थडे आ रही है तभी मिलवा लेंगे। भाई बर्थडे आ रही है और अपने बर्थडे पे पार्टी मांग रहा है भाई, बारबेक्यू तेरे को मिलेगी पार्टी। बर्थडे के दिन चेहरा दिखाऊंगा इसका और मेरे 2 फ्रेंड्स है और जो हम लोग साथ में हम लोग थे। केविन के घर पे था अभी तक और अभी 4 बजने वाले शाम के मुझे वस्त्राल पहुँचना है, तो चल के और मिलता हूँ। और बर्थडे पे आना यार, तो यहाँ से अपन घर पे जाएंगे और बाकी की बातें घर पे चौके करेंगे। ऐसे दोपहर को इतनी धूप में कोई कंटेंट मिलता नहीं है, मेरे सिवाय कोई निकलता भी नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों ने सही से डिसीजन लिया होगा पूरा व्लॉग देख के, होप करता हूँ, फिंगर क्रॉस। और अभी घर पे आके थोड़ी देर रील्स बना रहा था। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।